हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केस्टिंग हिंदी पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम डेट यहाँ पे जो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे जारी की थी वो बता दिया गया जनवरी 5 जनवरी के बाद में यहाँ पे एग्जाम आपकी स्टार्ट कर दी गई है। शायद आपको पता होगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि जो यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स ने क्या बोल रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पे जल्दी देखो, परीक्षा तिथि में बदलाव, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जनवरी में नहीं 15 जुलाई के बाद में होगा एग्जाम, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे जनवरी में नहीं 15 जुलाई के बाद में होगा एग्जाम, ऑफिशियली नोटिस जारी है बिल्कुल। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये मांग की है कि यहाँ पे आरवी के सामने ये धरना दे रखा है। काफी ज्यादा संख्या के अंदर स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि हमारा एग्जाम जो जनवरी में होना चाहिए था वो जनवरी में नहीं बल्कि जुलाई में होना चाहिए, क्योंकि कभी जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे 2 महीने का टाइम भी यहाँ पे प्रिपरेशन का नहीं मिला। पहले तो यहाँ पे इन्होंने डेट जारी नहीं की और एन वक्त पे इन्होंने यहाँ पे ये फैसला लिया है कि 2 महीने भी एग्जाम को नहीं बचे, और जबकि यहाँ पे सिलेबस कवर भी नहीं कर सकता 2 महीने में स्टूडेंट्स, इतना बड़ा सिलेबस है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स ने बोला है कि यहाँ पे हमारी परीक्षा तिथि में बदलाव करना चाहिए। तो हमारे पास जो अपडेट है वो बता रहा हूं। देखिए 2 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सारी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ बने रहे। अब फटाफट वीडियो खत्म करते हैं, ले चलता हूं अपडेट के साथ। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एसडी के अंदर आप कर लीजिए। यहाँ पे बोला कि व्याख्याता भर्ती में विवाद को लेकर छात्र धरने पे, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे ये कल की अपडेट है, ठीक है, यहाँ पे आज की अपडेट है। और यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि आरवी के गेट पे मंगलवार को यहाँ पे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये जो धरना जारी रहा वो किस लिए यहाँ पे मतलब किस स्टूडेंट मतलब किस टॉपिक को लेके या किस चीज़ को लेकर धरने पे लगे हैं। तो यहाँ पे साथ में ये भी बताया कि यहाँ पे एबीपी न्यूज़ ने, ठीक है, एबीपी ने यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का साथ दिया है, बिल्कुल देना भी चाहिए, ऐसा होने भी चाहिए। अभ्यर्थियों ने परीक्षा तिथि में आगे बढ़ाने की मांग की है, और साथ में बता दें कि पदों की संख्या में एक बात तो हो चुकी है लेकिन पदों की संख्या भी बढ़ाने की मांग की है। और साथ में बता दें कि अभ्यर्थी में जो 5% कोटा होता है उसको लेकर भी यहाँ पे बता दिया गया है और निर्धारित करने के लिए, ठीक है, उर्दू विषय के पदों में मतलब उर्दू विषय की दो पद भी शामिल करने चाहिए। यहाँ पे ये मांग भी इन्होंने की है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे जवाब दिया है। मिस्टर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडासर का कहना है कि आपके कहने से क्या होगा, मतलब इनका कहना है आपके कहने से क्या होगा, जो मतलब अब आपकी नौकरी की बात कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे दूसरे अभ्यर्थियों का नहीं है, नहीं मार सके। बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम आपकी नौकरी की बात कर सकते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थियों का हक मार नहीं सकते। इन्होंने ये बात बड़ी बात की, लेकिन आपको बता दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एग्ज़ाम डेट में ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे जुलाई में होना कन्फर्म है। अगर यहाँ पे जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होती तो जुलाई में होना कन्फर्म है, सभी स्टूडेंट्स का यही कहना है और अभी तक तो यही चल रहा है, ठीक है। तो यह वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, सॉरी जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में होना है अभी तक तो, ठीक है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो जुलाई में जरूर होगा। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बाकी अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे करना है तो कमेंट के जरिए मुझसे कर सकते हैं, उसका 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।